देखो माता पिता जो आदेश दें उसी को पालन करना चाहिए। आपके पिता ने जो वचन दिया उसको मान करके, एक वचन को मान करके राम तो वनवासी हो गए, अब तुम्हारा नंबर है पिता के वचन को मान करके सिंहासन स्वीकार कर लो। यही हमारा वैदिक धर्म कहता है, माता पिता के वचन का पालन करो। यही हमारा लौकिक धर्म भी कहता है, गुरुदेव ने समझाना शुरू किया। अवस नरेश वचन पूर कर, अवस नरेश वचन पूर कर, अवस नरेश। गुरुदेव ने समझाया भरत, अवस नरेश वचन पुर करो, अवधेश के वचन को सत्य करो। श्री भरत ने सुना पर उत्तर कुछ नहीं दिया, नीचे सिर किए और बस। भरत जी के आंख से तो प्रेमा शुरू बह रहे पर बोले कुछ नहीं। गुरुदेव ने दूसरी बात कही, भरत वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद वेद का यही कहना है माता पिता के वचन को मानो, उनकी उनकी आज्ञा का पालन करो। मातृदेवो भव पितृदेवो। श्री भरत अब भी कुछ नहीं बोले। गुरुदेव ने तीसरी बात कही, यदि आज आप सिंहासन आरूढ़ होते हैं, आप सिंहासन स्वीकार करते हैं, तो अयोध्या की प्रजा भी आनंद मनाएगी, अयोध्या की सारी प्रजा आपके साथ है। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि हम सब आपके साथ हैं भरत जी, आज आपको सिंहासन की आवश्यकता नहीं पर सिंहासन को आपकी आवश्यकता है, आप स्वीकार कर लीजिए। श्री भरत सबकी सुन रहे पर बोले कुछ नहीं। मानस में दर्शन आ रहा है, आज जिस समय गुरुदेव ने देखा कि भरत किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो भरत को एक और बात कह दी, भरत तुम्हें लग रहा होगा माताएं क्या सोचेंगी, मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, आज तुम्हारे पिता जहां हैं वहां से वो भी आनंदित होंगे अगर तुमने सिंहासन स्वीकार कर लिया। तुम्हारी सब कौशल्यादि सकल महतारी, कौशल्या इत्यादि जो माताएं हैं तुम्हारी, वो सब प्रसन्न होंगी यदि भरत तुम राजा बन गए।